नेनुआ और चने की दाल की ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल मसालों की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार भी हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। इस सब्जी में मैंने चने की दाल का भी इस्तेमाल किया है। इससे इस सब्जी का टेस्ट और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाती है। इसकी जगह पर आप काले चने या आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो नेनुआ ले लिया है। गर्मियों में नेनुआ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिलने लग जाता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं पर तुरई और कहीं पर गलकी भी कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले इसे काट कर तैयार कर लेंगे। इसे मैंने पहले ही धो लिया था। अब इसके दोनों किनारों को काट लेते हैं, छील लेंगे। आप इसे छीलने के बजाय चाकू से खुरच कर भी इस्तेमाल में ले सकते हो। और अब मैंने मेरे सारे नेनुआ छील कर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसे काट लेंगे। बीच से चीरा लगा देते हैं, अब काट लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब मैंने मेरे सारे नेनुआ काट कर तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ 2 टेबलस्पून चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। और अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, इसे पानी से अलग कर देंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और भी तैयारियां मैंने कर ली हैं। 1 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट कर ले लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 7 से 8 करी पत्ते भी ले लिए हैं। इन्हें ऐड करना ऑप्शनल है, पर इन्हें ऐड करने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। आइए अब सब्जी बना लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें 2 टीस्पून जैसा सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों तेल में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और अब ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर लें ताकि बघार की सामग्री ना जले। अब इसमें 1/4 टीस्पून मेथी के दाने और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। चटकने देंगे। 1 पिंच हींग भी डाल देंगे। करी पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन भी डाल देते हैं। भून लेंगे। कुछ सेकेंड्स तक भुनने के बाद लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इस स्टेज पर इसे अब और नहीं भुनना। तो तुरंत ही इसमें मैंने कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं। भून लेंगे। इसे हमें प्याज के हल्का सा कलर चेंज करने तक भून लेना है। और अब 2-3 मिनट तक भुनने के बाद प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इस स्टेज पर इसमें चने की दाल डाल देते हैं। मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड तक और भून लेंगे। और अब तुरंत ही इसी स्टेज पर इसमें मैंने पाउडर मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड्स तक भून लेंगे। और अब मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इस स्टेज पर इसमें नेनुआ डाल देंगे। मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब 2 मिनट तक भुनने के बाद मसाले नेनुआ पर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, तो इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड कर देंगे। नेनुआ पकने के बाद गल कर इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए नमक कम ही डालें। मिक्स करते हुए भून लेंगे। इस स्टेज पर नमक ऐड करने से नेनुआ जल्दी से गलना स्टार्ट कर देता है और अपना पानी भी छोड़ देगा, और इसी पानी में ये सब्जी पककर तैयार हो जाएगी। इसमें अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अब ढक कर इसे हम नेनुआ के अच्छी तरह से पकने तक पका लेंगे। और अब 10 मिनट तक पकने के बाद ढक्कन खोलकर चला देंगे। आप देख सकते हो नेनुआ ने बहुत सारा पानी छोड़ा है, और अब ये इसी पानी में अच्छी तरह से पककर तैयार भी हो जाएगा। ढक कर इसे वापस 5 मिनट तक और पकने देते हैं। और अब 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चला देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है, दाल चेक करके देख लेते हैं। ये सॉफ्ट हो चुकी है, हमारी सब्जी तैयार है। पर इस स्टेज पर अगर आपको सूखी जैसी सब्जी चाहिए तो फ्लेम को हाई करके खुला ही थोड़ी देर तक और पकने दें। मैंने यहाँ पर आज इसे थोड़ी रस्से वाली रखी है।
इस तरह की रस्से वाली सब्जी रोटी या चावल दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है। इस सब्जी में टमाटर या गरम मसाले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। कम तेल मसाले के साथ ही ये ऐसे ही बनाया जाता है। इतनी सब्जी आप घर के 4-5 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या दाल चावल के साथ सर्व करें। दाल चावल के साथ सर्व करना हो तो सब्जी का सारा पानी सुखाकर बनाएं। आप भी इन गर्मियों में इस तरह से नेनुआ की सब्जी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आपकी तरफ नेनुआ को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।